क्यों? इसीलिए कि आज हम लोग परेशान हैं। किसलिए परेशान? चाहते हो मुल्ला के पास भर करते ये आपने लोग यहाँ पे भी यहाँ पर पूरे जाएंगे क्या ना? हाँ पर ऐसे बहुत हैं, आपको बहुत मिलेंगे, गली गली में मिलेंगे। ये दीदी वो भाभी वो चाची वो मामू इन्हों इलाज कर रहे हो, बेटा भाई अपना ही कर ले, जमीन के खजाने निकाल ले, लोगों के बहनों का रख कर क्यों पड़ा हुआ है? आपके अकीदे को बर्बाद, इससे क्या होता है बताए? एक तो ईमान मुतज़लज़िल हो जाता है, मुसीबत आई अल्लाह क्या फरमा रहा है, मेरे पास मेरी चौकट पे हो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर करूं। अब मैं युजीब मुस्तफा इदा दा रब्बहु यक्शिफ सु, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा बेकरार होकर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी तकलीफ को दूर, मैं सुनता भी हूँ और उस तकलीफ को दूर भी करता हूँ। अल्लाह को पसंद है कि तुम जब बेकरार हो उसके पास आओ। देखो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलता? बहुत अच्छा सही टाइम पे आ गया, वो सही टाइम पे अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं तो क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, बोलता डॉक्टर खुश होता कि आप सही जगह पर आए, आप सही जगह आए हैं। हार्ट का मसला है किडनी के डॉक्टर करने चले गए, किडनी का मसला है आप ब्रेन के डॉक्टर करने चले गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजी का मसला है उन्हें बोला आप गलत जगह आ गए, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था, है कि नहीं? कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का मसला है वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए आप? फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों आए? दीवार नहीं गया उधर जाके, है कि नहीं? तो सही जगह पहुँचने पर आपका काम भी होगा और जहाँ पहुँचेंगे वो कहेगा आप सही जगह। ठीक इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि जब तुम बेचैन हो, जब तुम परेशान हो, जब तुमको हालात सताए, जब तुमको परेशानी आकर घेरे, जब तुम मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ, जब तुम बीमारियों में गिरफ्तार हो जाओ, जब तुम्हारी बात कोई ना बना सके तो ऐ मेरे बंदे मेरे पास आ, मैं तेरी दुआ को पूरा करूंगा, मुझसे मांग मैं देने वाला हूँ। अल्लाह खुश होता है और अल्लाह को नाखुश करते हैं। क्या परेशान होते वो फला आमिर साहब धूम मचा रहे हैं आजकल, 50 रुपये में काम कर दे रहे, बताइए इससे क्या होगा? एक तो काम बिगड़ा और अल्लाह नाराज हो गया, और जब अल्लाह नाराज हो जाता है किसी बंदे से तो फिर अल्लाह उसकी मदद नहीं फरमाता, रुख फेर देता है अल्लाह, जहां जाता है उस बंदे को जिल्लत किफत जिल्लत की जिल्लत और रुसवाई उसका खतर बन जाता है। और क्या करता पता है अल्लाह हदीस शरीफ में, अल्लाह किसी बंदे से नाराज हो गया सफर का महीने को मनोज जान के आमिरों के चक्कर में जाकर बैठ गए, ताइस नजरिया फली थे, ये गलत हरकतों में जाके मुब्तला हो गए, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह कहता अच्छा मेरा दर्द छोड़कर वहाँ ले आए उसके पास और उससे तुम्हें अपनी मुराद मांगी है, ठीक है हम तुझ पर एक शैतान मुसल्लत किए देते हैं। एक पहले से तो लगा हुआ है हमेशा उन्हें वसवास से कन्नास खून के साथ भागना दौड़ा, उसके बाद एक खास किस्म का शैतान है अल्लाह मुसल्लत करता डेप्यूटाइज करता उसको और कहता कहता जा मैंने इसके मुसल्लत किया, इसको सताता है क्या कर इसको तकलीफ देता रहे, इसको सताता रहे, इसको इसके काम बिगाड़ते रहे, तो शैतान तो हारा ही इंसान की दुश्मनी के एक जो शैतान है इंसान का रुखो मबीना खुला हुआ दुश्मन है बिल्कुल खुला हुआ वो लग जाता है। अब कोई ऐसी शैतान आ जाए किसी पे चलते फिरते कुरान के तरीके का अमल है, कुरान शरीफ के तहत आयतें इसकी तकरार से ही भाग जाता है, जो मशायख के पास है तरीकत के पास तरीका है ठीक है सुना पड़ा उसकी तकरार की इसको भगा दिया। हम उसको बना सकते हैं जो खुद से आया है, तवज्जो है ऐसे बहुत आसेब ज़्यादा लोग आते हैं खानकाओं में ठीक है मैं सबको लोग नहीं करता लेकिन पाटन की सिद्धियाँ में से आप होशियार रहे ठीक है हमने भी किया अल्लाह का कलाम पढ़कर अल्लाह की दाद पर रोज कई ऐसे ज़्यादा लोगों को हमने खुद नहीं किया मैंने खुद किया है मैं बड़े रसूल में बैठा हूँ पुराने पाक की तिलावत की चला गया तरकीब में लेकिन जो खुद से आए हम उससे खा सकते हैं लेकिन जिसको अल्लाह मामूर कर दे बजा ले हमारी किसी बाबे की मजाल है बोलिए किसी आमिल की मजाल है किसी आलिम की मजाल है कि जिसको अल्लाह कहे कि मैंने मुसल्लत किया है हाँ नहीं अल्लाह कब करता है जब कोई बंदा उसकी बारगाह से हट जाता है जब उसके दर को छोड़ देता है जब छोड़ कर ऐसे सिफरी आमिलों के चक्कर में पड़ जाता है अल्लाह उसके ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देता है। अब वो रिंग रिंग एक बार आमिल के चक्कर में पड़ गए तो समझो मुर्दे का हाल जो हसन के हाथ में होता वही हाल इनका हो जाता बर्बाद करके रख देता। तो अल्लाह क्या फरमाता है वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हसबू कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है क्या करता है बोलिए बोलिए जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है।